खोर्धा राउतपड़ा समवाय बैंक घोटाला तीन कर्मचारी विरोध में मामला रुजु ईओडब्ल्यू तदंत निर्देश जिलापाल सुपारिश। खोर्धा राउतपड़ा समवाय बैंक घोटाला मामला रे अभियुक्तों विरोध में फौजदारी मामला रुजु राज्य अर्थनैतिक शाखा पक्षर तदंत करने को सुपारिश कले जिलापाल। डेढ़ मास तले बैंक घोटाला नहीं चित्र सामना को आसाला एने अर्गस न्यूज रे खबर प्रसारण पर आकाउंटांट बुद्धिराम दास समेत तीन कर्मचारी बहिष्कृत कर तदंत निर्देश देते बैंक सीईओ किंतु बड़ बड़िया खसाई तलतलिया कर्मचारी मुंडे दोष लदिया उद्यम मासाधिक काल रिपोर्ट दाखल करें तत्कालीन आकाउंटांट ठारू एग्रीमेंट कर चुप बसीला विभाग। यही खबर जनापड़ा पर जिलापाल द्वारस्थ होते हिताधिकारी एभली एक एग्रीमेंट चंचकपूर्ण करी से जो उच्च कर्तृपक्ष खसी जाऊँगी से तदंतभुक्त कर आवश्यकता रही। तेणु ए परिप्रेक्षी में सर्वोपरि किभली भाव में जमाकारी मैंने जो मैंने मूल लगिकी छेली जगिकी किए कंसा बासन माजिकी एवं किए गोबर गोटेकी किए कार रिटायर्ड पैसा सबुतक रखिता पुओ झील बाहर करने की जो भली भाव में पैसा जाइए से पैसा किभली मिलिबो ता होउची हमर प्राथमिकता। हजार कि लक्षे नुहे हिताधिकारी प्राय 1.5 कोटी टंका आत्मसात करिसेंती राउतपड़ा समवाय बैंक कर्मचारी जहाँफल समवाय बैंक उपर उठुची साधारण लोकंक भरोसा। घटना रे पूर्वतन अकाउंटेंट बुद्धिराम दास समेत तीन जन विरोध में फौजदारी मामला रुजु सह ईओडब्ल्यू द्वारा तदंत करने को सुपारिश कर जिलापाल। से जो मैंने घटना रे संपुक्त थे अर्थ भरणा कर हिताधिकारी टंका फेरैबाकू जिलापाल। से कोटी 19 लक्ष नुहे से कोटी 50 लक्ष 5136 टंका तेणु तार संपूर्ण तदंत जो आम रिपोर्ट मो पाखे आसी पहुँची एवं ताकु अनुधान कर सारी बर्तमान मुझे निर्देश दे सारे क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अनुरोध करा तुरंत तदंत कर पदक्षेप नापी एवं तुरंत जो तीन जन से अच्छा जो मैंने ये कर जड़े तो अवसर नहीं जाइए मार्च 2020 मसीह विरुद्ध में तुरंत एफआईआर लॉन्च करने थाना मु निर्देश दे सारी केसीसी बैंक सेटाक पर देखा कारण जी मैंने तोषरपात कर आदाय करा जीवो एवं जो मैंने दायी से अच्छा जो जो कर्मचारी मैंने से संपर्क थे से दरमारू रिकवरी करा जीवो। विभिन्न समय समवाय बैंक दुर्नीतिर खबर सामना को आसुथिबारु एबे एही बैंक उपरु लोकंक भरोसा उठी जाइछि। तेणु शीघ्र ए दिगरे पदक्षेप नहीं लोकंकु जमा टंका फेरस्त करने को दाबी होईछि। खोर्धा बेगुनिया विष्णु प्रसाद, अर्गस न्यूज।